दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेखपाल कोर्ट केस अपडेट पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार लेखपाल भर्ती परीक्षा के संदर्भ में कोर्ट केस का मुद्दा क्या कुछ वर्तमान समय में चल रहा है। आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सूचित किया था कि आपके कोर्ट केस के संदर्भ में बिल्कुल बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जो कि हमने विद लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था। देख पा रहे हैं बिल्कुल 11 अप्रैल कोर्ट से लाइव प्रूफ के साथ आपके बीच में बात कर रहे हैं। सीरियल नंबर 2 की सुनवाई जारी। जाहिर सी बात है, अगर कहेंगे आपके द्वारा ये चीजें सुबह से ही दी जा रही हैं कि सीरियल नंबर 2 की सुनवाई जारी है, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, सीरियल नंबर 2 की सुनवाई ये वास्तविकता है कि विलंब से चल रही है, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, नीचे देख भी पा रहे हैं आपके बीच में फिर हो गया खेल। और यहां देखिए केस में हुआ बड़ा परिवर्तन, इस चीज को हमने आपको पहले भी सूचित किया। अब वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनका क्या कुछ बयान आ रहा है, और नीचे यहां देख पा रहे हैं सबसे बड़ी चीज लिखी जा रही, फिर हो गया खेल। आप सभी को पता है, आप लगातार ये पूछ रहे थे कि भैया क्या पूरी सुनवाई हो पाएगी, कि हम लोगों को हर बार की तरह फिर भी अगली डेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में कोर्ट केस ऑर्डर को हम दिखाना चाहेंगे। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट अगर देखा जाए हमने आज ही डाउनलोड किया है 11:07 पर। हालांकि इस चीज से आप पहले भी वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आपका जो पहले स्टेटस लगा था, ये पहला स्टेटस आप देख पा रहे हैं, 7 तारीख का जो डाउनलोड किया गया था, जो है 11 अप्रैल देख पा रहे हैं, लिस्टेड ऑन कोर्ट नंबर 39 बेंच आईडी 6694 सीरियल नंबर 5 में, ठीक है। ये स्टेटस आपके बीच में था, लेकिन आज जो स्टेटस आपके बीच में शो हो रहा है, इससे आप देख पा रहे हैं आपके बीच में जो है 11 अप्रैल लिस्टेड ऑन कोर्ट नंबर 21 यहाँ तक, ठीक है। और बेंच आईडी में परिवर्तन कर दिया गया, 6694 के जगह पर जो है 7982 कर दिया गया है, ठीक, 69 और 82 कर दिया गया है, और सीरियल नंबर 5 आपका वैसे रखा गया है। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं आपके जजों में भी परिवर्तन कर दिया गया है। इधर आप देख पा रहे हैं सुनीता अग्रवाल और विकास बुधवार जी के स्थान पर इधर आपके बीच में जो जज हैं आप रखे गए हैं, देख पा रहे हैं मनोज कुमार गुप्ता और प्रशांत कुमार जी के देख रेख में आपके इस बेंच की सुनवाई होनी है। लेकिन अब एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आज आपके मामले की सुनवाई हो पाना बिल्कुल अब मुश्किल प्रतीत हो रहा है। इधर आप देख पा रहे हैं इनका स्टेटस जो है, मनोज कुमार गुप्ता ये कोर्ट नंबर 21 में बैठते हैं, और जस्टिस प्रशांत कुमार ये दोनों जज जो हैं वो कोर्ट नंबर 21 में बैठते हैं। और आपका जो स्टेटस लगा है आप देख पा रहे हैं, हालांकि अगर इस पर बात करें हम, कोर्ट नंबर 21 यानी कहा जाए बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के पीछे बिल्कुल अगर देखा जाए एक गहरा राज बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे में ध्यान रखिएगा, हमने वर्तमान कोर्ट केस स्टेटस दिखाया, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके इस मामले की सुनवाई आज भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऑफिशियल कोर्ट स्टेटस चेक किया गया, अभी पहले का स्टेटस ही आपके बीच में दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही परिवर्तन होता है स्टेटस वगैरह में और फाइनल अगर जब भी ऑर्डर आता है तो अगले वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहां वरिष्ठ अधिवक्ता अब इनकी तरफ से भी ये चीजें कही जा रही हैं। अब इस समय की बातें हम अगर कहें तो अब इनकी तरफ से भी निराशा हाथ लग रही है, ये भी कह रहे हैं कि अब सुनवाई हो पाना बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे जिम्मेदार वो हैं जो हम आपके रिजल्ट को घोषित नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और टारगेट उनका है 2024 के चुनाव को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 2024 नजदीक आएगा आप देख लीजिएगा रिजल्ट ये खामखा आपका देंगे, क्योंकि 2024 में चुनाव है, ये एकदम तीखा कड़वा सत्य है, ठीक है। यही एक वजह है रिजल्ट ना घोषित होने के पीछे, चूंकि UP SSC ने साफ तौर पर कह दिया है हम तब तक आपका रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे जब तक फाइनल कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट्स, आशा करते हैं देंगे जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगला आप वीडियो तब तक इंतजार करिएगा जब कोई ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ जाएगी, तो अगले वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल से प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।